हेलो, वेलकम। आज हम बनाएंगे चीज़ पराठा। थोड़ा हमारा इंडियन स्टाइल में ये चीज़ पराठा हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके ली है, और आटा हमने चपाती का यानी कि रोटी का जो हम बनाते हैं ऑयल सोल्ट डाल के, वो आटा हमने थोड़ा सा गूंद दिया है। थोड़ा सा डो सॉफ्ट गूंदना है, रोटी जैसे बनाते हैं हम वैसे सॉफ्ट। उसके लिए ये हमने हाफ ऑनियन बारीक कट करके हमने ली है, बारीक बारीक कट कर ली है। आधी ऑनियन, रेड वाइट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पिंच ऑफ शुगर और रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला। तो ये सब हमने ले लिया है। तो ये बच्चों के लिए पराठा बहुत अच्छा होता है। स्कूल में आप बच्चों को दे चीज़ पराठा बना के, तो रोटी है, रोटी के अंदर पराठा बना के आप जैसे बेलते हैं पराठा, उस तरह से आप चीज़ का पराठा बनाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को और थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। तो हम बच्चों को लंच में, पैक लंच में पराठा, डिफरेंट डिफरेंट पराठा बना के हम देते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ पराठा है। तो ऐसे आप पहले चीज़ को जो हमने ग्रेट किया है वो अच्छी तरह से आप एक प्लेट में निकाल दें, बड़े से बाउल में। और चीज़ बड़ी बड़ी ग्रेट करनी है, यानी कि जो ग्रेटेड है बड़ी साइज़, उसमें से वो साइड से आप ग्रेट कीजिए अच्छी तरह से। तो ये हमने ग्रेट कर लिया है चीज़, और उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और उसके अंदर हम थोड़ा सा ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है वो हम एक एक करके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले आप चीज़ ले लें, फिर जो ये हाफ ऑनियन हमने कट करके रखी थी वो आप, फाइनली जो चॉप्ड करके रखी थी वो आप ले लें, उसमें डाल दें। पिंच ऑफ सोल्ट डालना है, बहुत नहीं, क्योंकि चीज़ में सोल्ट ऑलरेडी होता है और सोल्ट ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो पिंच ऑफ सोल्ट डालना है और पिंच ऑफ शुगर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम आटे में भी, हम चपाटी के आटे में भी हम सोल्ट डालते हैं और चीज़ में भी सोल्ट होता है। तो पिंच ऑफ सोल्ट डालना है सिर्फ। तो ये हमने पिंच ऑफ सोल्ट, शुगर, ऑनियन डाल दी है। और उसके अंदर हमने ये सब तो डाल दिया है, और उसके अंदर हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा डालिए रेड चिली पाउडर। अगर आप ग्रीन भी चाहे तो अंदर बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, ग्रीन चिली भी बड़ों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे के ग्रीन चिली अंदर से निकाल नहीं पाते, खा जाते हैं, तीखा लगता है। तो हमने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर उनके लिए डाला है। और बड़ों के लिए जब चीज़ पराठा बनाए तो आप बारीक बारीक कट करके ग्रीन चिली डालिए अंदर, टेस्ट एंड फ्लेवर इज़ वेरी नाइस। और धनिया पाउडर हम डालेंगे थोड़ा सा, हाफ स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ स्पून गरम मसाला हम डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया ऊपर से हम डालेंगे, धनिया भी, क्योंकि धनिया भी अच्छा होता है आइस के लिए, तो धनिया भी हम डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत भारी हाथों से नहीं, ऐसे हल्के हल्के करके इसको, मसाले को और चीज़ को, सब मसाला अच्छे से ऐसे मिक्स कर ले। और आप चाहे तो थोड़ा आप टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर ले पूरे हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चीज़ है तो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे हल्के हल्के हाथों से ही आपको इसको अच्छी तरह से सब मसाला ऊपर नीचे करना है। आप अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लिया है, और फिर हम इसको रख लेंगे साइड पे, एक साइड पे रख लेंगे इसको। और जो ये आटा हमने गूंद के रखा है उस आटे में से हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और उसको बेल के हम पराठा बनाएंगे। तो
ये हम आपको मसाला, हमारा चीज़ पराठा का मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा चीज़ पराठा। तो ये हमारा चीज़ पराठे का बेसन रेडी हो गया है। तो ये आटे में से हम एक छोटा सा उसका बॉल बना लेंगे आटे का, जैसे पराठा बनाना है हमको उस तरह से उसका थोड़ा सा आटा बॉल बना लेंगे। और जैसे हमने हमारा अगले हमने पराठा बनाना आपको सिखाया, उस तरह से हम ये चीज़ का पराठा बनाएंगे, सेम बट टेस्ट इज़ डिफरेंट एंड स्टाइल इज़ डिफरेंट। तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टाइल भी थोड़ी सी अलग है। तो ये हमने आटा ले लिया है, तो ये हमने अंदर रोटी बना के हमने अंदर जो हमारा चीज़ पराठे का जो बेसन है वो हमने डाला है, और सभी साइडों से ऐसे बंद करके ये जो ऊपर का पाक का ये ज़्यादा आटा है वो आप ऐसे तोड़ के उसको थोड़ा सा निकाल लें, और फिर उसको अच्छी तरह से बंद करके आप बंद करके चारों तरफ से बंद करके उसको हमने जैसे आपको बोला था वैसे पराठा आप फिर से चीज़ का पराठा ऐसे ज़्यादा जो आटा है वो आप निकाल लें, और ये अच्छी तरह से बंद करके इसको भी बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। तो फिर आटे में इसको मिला के अच्छी तरह से गोल राउंड पराठा बना लें और उसको तवे पे सेकना है। ये पराठा हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, जैसे हमने हमारे अगले पराठे में बताया था उसी तरह से हम दोनों साइड से इस पराठे को सेकेंगे, पर इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा के सेकेंगे, या आप चाहे तो बटर लगा के भी आप सेक सकते हैं। तो ये हम ऑयल लगा के दोनों तरफ हल्के हाथों से ऐसे इसको दबा के हमको सेक लेना है। दोनों तरफ से हमको ऐसे ये पराठा हम सेक लेंगे, और ये चीज़ का पराठा है तो ऑब्वियसली टेस्ट इज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा पराठे का, जो हमने कोथमीर पराठा बताया था उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ अच्छी तरह से आप ऐसे इसको देख सकते हैं आप, ये हमारा पराठा रेडी हो रहा है। तो आप दोनों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा के, बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक के इसको इस तरह से एक एक पराठा बना के आप सेक लें अच्छी तरह से, गोल्डन होने दें दोनों तरफ थोड़ा सा क्रिस्पी। तो ये हमारा गर्मा गर्म पराठा, चीज़ पराठा रेडी हो गया है। तो आप इसको डिश में निकाल के ऊपर से ऐसे ही इसको गर्मा गर्म चाय के साथ, और ऐसे ही योगर्ट के साथ भी आप ठंडे ठंडे योगर्ट के साथ भी पराठा तो आप खा सकते हैं, अचार के साथ भी कोई भी पराठा खा सकते हैं। तो ये चीज़ पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो एक एक करके आप ऐसे गर्मा गर्म पराठा बना लें और गर्मा गर्म ऐसे सर्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है पराठा, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो हम ऐसे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पराठे या ऐसे बना के डिशेस बच्चों को पैक लंच में दे, तो बच्चे खाना भी खा सकते हैं, और कई बच्चे कुछ भी करियंदा नहीं खाते हैं, ये ऑनियन नहीं खाते हैं, तो ये सब ऐसा बना के हम दें तो बच्चे एंजॉय करेंगे और खाएंगे ज़रूर, और उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा चीज़ पराठा रेडी है, तो आप बनाइए ज़रूर और खाइए। थैंक यू वेरी मच।